الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لے اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے عباد نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پتہ تھا یہ سفر لمبا ہوگا कितना लंबा होगा इसका पता नहीं वरना मैं आखिर से आता क्योंकि इधर एक महीने का मेरा जो सफर था वो ज़ियारतों का था सबसे पहले मैं निकला नजफ अशरफ करबला मक्काह शरीफ तमाम ज़ियारतें करते हुए सुभान अल्लाह और वहाँ के अनवार व बरकात फयूज व बरकात समेटते हुए फिर मैं मक्का मुकर्रमा मैंने उमरा किया हुजूर की बारगाह में और फिर वहाँ से घर आया सुभान और घर से बाहर सफर खिताबत यहाँ तक पहुँचा सबकी मैंने सुनी दिमाग भी भर गया भी भर गया सीना भी भर गया हर खतीब की जमीन का मर्जा नहीं अभी है उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया जो आ रहा है आवाज बढ़वा मैं एक ही नाम ले रहा हूं अगर कभी कुछ बवाल हो तो पकड़े ही जाए मैं कुछ नहीं जानता मैंने सोचा कि वो भी कुछ बोलेंगे बोले मगर उन्होंने भी कहा बुनियाद इन्होंने खोदी दीवार इन्होंने बनाई सब शेख तरीकत ने बचा क्या हाँ अब प्लास्टर बचा वो मैं कहूँ बड़ा मुश्किल काम है प्लास्टर और वो भी डेढ़ बज चुका प्लास्टर का काम नहीं गया अब वही थोड़ा सा मैं करूंगा देखता हूँ आप मेरा साथ के बना देते हैं परचम खुशाई का सिलसिला था तो हाजिरी में था ऐसा लगता है कि वहां से कुछ हुआ मेरा जमीर बेदार हुआ एहसास बेदार हुआ कि आज हजरत की शख्सियत पर गुफ्तगू फखरुल मशायख एक अंजुमन का नाम है क्या कहने जहां खानकाहियत और दरसगाहियत दोनों सिंधी नजर आए फखरुल मशायख गरीब नवाज सरकार ख्वाजे ख्वाजगा के मिशन के अलम बरदार का नाम सुभान अल्लाह पिछले एक दो साल नहीं 36 साल तक अजमेरे मोहल्ला में चिल्ला कशी की वो फखरुल मशायख सुभान अल्लाह जिसने गरीब नवाज के फयूज और बरकात को खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन से बड़ा है रास्त हासिल किया वो फखरुल मशायख फखरुल मशायख एक बज्म का नाम वाह
फखरुल मशायख शरीयतो तरीकतो हकीकतो मारफत के हसीन संगम का नाम है। फखरुल मशायख एक उजाले का नाम है। फखरुल मशायख एक नूरी करम का नाम है। फखरुल मशायख मशायख की जीनत का नाम है। जहाँ तजर्रुद भी है, तहारत भी है, पाकिजगी भी है, तकवा भी है, सलामत राय भी है, इल्म भी है, अमल भी है, शुजात भी है, सब्र भी है, इस्तेकामत भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूर फखरुल मशायख। जहाँ से इल्म की खैरात मिले वो फखरुल मशायख, जहाँ से तकवे की भीख मिले वो फखरुल मशायख, जहाँ से अमल मिले वो फखरुल मशायख। फखरुल मशायख की जिंदगी आदमी देखने वाले जिंदा है। हजरते गिरामी, यहाँ खानका भी है, मदरसा भी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ खानका की जरूरत है, नहीं, मदरसे की भी जरूरत, दोनों की जरूरत। दरसगाह भी हमें चाहिए, खानका भी हमें चाहिए, दरसगाह का निजाम भी हमें चाहिए, खानका ही निजाम भी हमें चाहिए, दोनों की जरूरत। क्यों? वो इसलिए जरूरत है कि मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानका में पिलाया जाता है। क्या कह रहे हैं? मदरसे में दाना बनाया जाता है, खानका में दीवाना बनाया जाता है। अगर दाना बनना है तो दारुल उलूम में जाओ, दीवाना बनना है तो गरीब नवाज के दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? सही है। सीले से इनके पीछे पीछे मैं आया हूँ। अब तो हाजिरी कबूल होगी। गौसे आजम जो मुर्दे पर नजर डाल दे तो जिंदगी मिल जाए, वो गौसे आजम जिनके रास को पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो रेजा रेजा हो जाए, वो गौसे आजम कि महीना आए तो अब्दुल कादिर की इजाजत के बगैर ना, वो गौसे आजम, वो गौसे आजम कि अगर बचपन के आलम में कब्रस्तान से गुजरे और ये कहे बचपन में कि भागो मेरे नाना पकड़ने आ रहे हैं, तो कब्रस्तान के सारे मुर्दे निकलकर अब्दुल कादिर जिलानी के साथ चलने लगे। सुभान।